हम जब भी गुजरते हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन वाले केस में आए हैं, तो ये एक ऑप्टिक्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, और ये आपके मीडिया से ही ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। तासुर ये दिया जाता है आम आवाम को, भोली भाली आवाम को, कि मियां बीवी ने मिल के 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है। जजेस को भी जब तक उन्होंने केस खोला नहीं था, सुना नहीं था, तब तक तो एक सुनी सुनाई बात थी ना। तो आज जब ये केस खुला है तो मेरा ख्याल है कि जज साहब, दोनों जज साहिबान अपने नोट्स बड़ी तेज़ी से वो उस केस में लेते रहे, मगर जिस तेज़ी से ये केस डिमोलिश हुआ है आज विद इन 30 मिनट्स, बड़ा बेसिक सा केस है। मलिक रियाज साहब के पैसे यूके ने फॉर द टाइम बीइंग क्वेश्चन नहीं लगता ये पैसे कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, और यूके के कवानीन जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर या ज़रा सी भी स्मेल आ जाए किसी अमाउंट से, वो पैसे नहीं निकल सकते यूके से। और उन पैसों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई शख्स भी उस पैसे को रिलीज़ कराने में इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो सकता, ना ये इनका केस है। सो जो हुआ वो NCA, जिसे आप नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके या मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान हुआ, उनके पैसे फॉर द टाइम बीइंग कॉन्फिस्केट होते हैं और उनके पैसे उसी वक्त जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो जब वो पैसे रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर मलिक रियाज साहब या उनकी फैमिली का ये प्रेरोगेटिव था कि वो उस रकम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वो पैसे भेजे किसके अकाउंट में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। इंटायर अमाउंट 171 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया, जो कि बहुत अरसा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रहा, क्योंकि कोई पेमेंट जानी थी, और वहाँ से वो फाइनली पैसे चले जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नवंबर 2023 में। तो वो सारे के सारे पैसे कहाँ हैं? पाकिस्तान के खजाने में। एक पैसा भी शॉर्ट है? एक पेनी भी, एक रुपी भी, एक पेंस भी? द आंसर इज नो। सो द एंटायर मनी इज विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब कहा क्या जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि आपने ये जो पैसे मलिक रियाज के रिलीज आपने करवाए, और जो रिलीज करवा के पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, इसके बदले में, इसके एवज, मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने आपको इन दी गार्ब ऑफ डोनेशन अल कादिर ट्रस्ट आपको सेटअप करके दिया। सो तासुर ये था कि अल कादिर ट्रस्ट कोई गोस्ट ट्रस्ट होगा, एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वहाँ यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, स्टूडेंट्स हैं, डिग्रीज हैं, ऐसे ही जैसे शौकत खाना है, ऐसे ही जैसे नमल है, और ये बल्कि मैं कहूँगा दोनों फैमिलीज, मलिक रियाज साहब की भी फैमिली फिलेंथ्रोपी में बड़ा कुछ करती है, और कहूँगा कि वो उन लोगों में से है कि नेकी कर दरिया में डाल, उसका तस्करा ना कर। और इमरान खान साहब भी शुरू से सोशल वर्क जो करते आ रहे हैं, उनके बैक टू बैक अब तो शौकत खाना हॉस्पिटल्स हैं जिसे हर कोई मुस्तफ़ीद होता है। सो तासुर ये दिया गया कि इमरान खान साहब ने ये जो डोनेशन ली है इसके बदले में वो पैसे रिलीज़ करवाए हैं। सो वो पैसों का और इस डोनेशन का ना तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक बनता है, और जो बड़ा फेटल ब्लो मिल जाता है कि मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को इमरान खान साहब के आगे एक नोट रखा। इमरान खान साहब ने कहा ये मेरे अकेले का काम नहीं है, जो भी ये नोट है ये पूरी कैबिनेट के आगे जाएगा। कब गया कैबिनेट के आगे? 3 नवंबर को। पैसे पाकिस्तान कब आ गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में? नवंबर 27 और 29 को पेमेंट्स आ गई। सो नवंबर को गया और 27 को आ, देखें 3 दिसंबर को। सो जिस दिन नोट रखा गया उससे समझे 7-8-10 रोज पहले पेमेंट तो आ चुकी थी। तो इमरान खान साहब ने कैसे, सो इन तारीखों के ऊपर ही, जो जज साहिबा ने आज तारीखें नोट की, तो उन तारीखों के ऊपर ही बात ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं इस एस्पेक्ट और इस पहलू पे कि इस केस में करप्शन हुई है। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मलिक रियाज साहब के पैसे थे वो उन्हीं के पैसे हैं, उन्हीं के अकाउंट में या सुप्रीम कोर्ट से निकल के वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए हैं, वो अमाउंट पूरा है। जो मलिक रियाज साहब की डोनेशन है कैश की सूरत में, उसमें कैंपस बना है, वहाँ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर, और उस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ है, डिग्री अवार्ड वो करेगा, वहाँ पर लम्स के PhD प्रोफेसर्स हैं, उसके बेनिफिशरीज फैकल्टी और स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं।
ना इमरान खान साहब से सैलरी लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो ये साबित करना पड़ता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक ट्रस्ट बन गया, जब ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्टी बड़े पीछे रह गए, उन्होंने सिर्फ मैनेज करना है। और द मोस्ट फेटल ब्लो, देखिए नैब का कानून साकिब साहब एक चीज़ पर खड़ा हुआ है, हर नैब के केस में इक्विटल या जमानत होती है, पता है किस पॉइंट पर, कि साबित करना है कि मेरा ज्यादती बेनिफिट क्या है। आपके सवाल का जवाब, आपने कहा ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बता दें कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, बता दें कि मेरे नाम पर कितनी ज़मीन आई, बता दें कि मलिक रियाज ने पर्सनली मेरे नाम पर इतनी ज़मीन मुंतकिल की या मेरे नाम पर इतना पैसा मुंतकिल किया। सो जहाँ पर ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ना कोई गेन है, तो पूरे का पूरा नैब का रेफरेंस, जब जजेस ने आज एक गवाह की शहादत सुनी, वो गवाह कौन था, वो नैब ने पेश किया है कि ये CFO हम पेश कर रहे हैं अलकादिर प्रोजेक्ट का। सो तवक्को ये की जाती थी कि जब वो आता तो वो बताता कितनी माली बेजाबतियाँ हुई हैं, कितनी करप्शन हुई है। उसने कहा है कि मैं जब से यहाँ पर हूँ फर्गसन के लिए काम करता रहा है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के लिए वो बंदा काम करता रहा है, तो CFO उसकी एविडेंस की बड़ी एविडेंशियल वैल्यू है। नैब की और फाइनेंशियल करप्शन के केसेस में CFO की एविडेंस बड़ी वजन रखती है फाइनेंशियल ऑफिसर्स की। तो उससे जितने सवाल हुए उसने कहा है कोई उनकी मदाखलत नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई डिविडेंड्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई उन्होंने कभी पैसे अकाउंट नहीं विड्रॉ किए, कभी उनके पैसों उनके अकाउंट में कुछ हमने जमा नहीं करवाया। सो इन शॉर्ट कोई माली बेजाबतगी नहीं है। सो फिर एंड में मैं यही बात कहूँगा, आज फिर यहाँ पर सरकार ट्रायल करने में बहुत तेज़ है, जो रिलीफ मिलनी है जमानत की या एक्विटल की, वहाँ पूरे का पूरा इस्लामाबाद की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, बीट FIA, बीट नैब, बीट पुलिस भागती नजर आती है, जमानतों में भी नहीं आते, इद्दत निकाह के केस में भी नहीं आते, साइफर के केस में भी नहीं आते, इस केस में भी नहीं आते। तो उनका काम सिर्फ सज़ा करवाने की हद तक मावनत करना है, असिस्टेंस देना है कोर्ट को, क्या जो उस बेल रिफ्यूज़ल की या उस कन्विक्शन की करेक्टनेस एपिलेट कोर्ट ने जब चेक करनी है, तो सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो वहाँ पर पाबंद होकर खड़ी हो और असिस्टेंस दे। सो आज क्या हुआ है, आज वन साइडेड आर्ग्यूमेंट सुने गए हैं, सरकार नहीं है, हत्ता कि IO भी नहीं है, IO भी आज रिकॉर्ड नहीं लेकर आया। कोई ट्रायल तो नहीं चल रहा, कोई ट्रायल नहीं चल रहा, आपको मालूम होता अगर ट्रायल चल रहा है, IO शुड हैव बीन हियर। सो अब ये मामला एडजर्न हो जाता है मंडे के लिए, मंडे को यहीं से कोर्ट रिज्यूम करेगी, सरकार के दलाइल सुनेगी और अलकादिर ट्रस्ट का जो एक हवा बना हुआ है जिसको आप आते जाते पूछते हैं, वो 190 मिलियन, मुझे एक तो ये यकीन है कि आप आज के बाद ये नहीं पूछेंगे कि 190 मिलियन, 190 मिलियन पूरे का पूरा, 171 आया था, 171 ही पड़ा हुआ है, जहां पड़ा हुआ है एक पैसे को हाथ नहीं लगाया। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।